रहीम। अच्छा जी, ये मैं आपके साथ आज असिस्टेंट मैनेजर एएम इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। और ये पेपर जो है 2019 में 14 मई को कंडक्ट किया गया था। और इस पेपर से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो टाइम अलाउड था वो 1 आवर था और कैलकुलेटर अलाउड था। सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन थे, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, कोई जनरल क्वेश्चन नहीं थे। और इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी थी। ठीक है, अब ये नेगेटिव मार्किंग होना ना होना ये ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर जो। और ये किसी साल नेगेटिव मार्किंग होती है, किस साल नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपने अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है कि नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। और पेपर को सॉल्व करने से पहले आपने इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लेनी है, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। और अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। और अगर नेगेटिव मार्किंग हो फिर इन चीज़ों का ध्यान रखना है, फिर सिर्फ वही क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आप जिनके बारे में 101% श्योर। चलें स्टार्ट कर लेते हैं इस पेपर को। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, विच लेवल ऑफ सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड्स द स्पेसिफिक फंक्शन ओरिएंटेड रजिस्टर्स काउंटर्स एंड मल्टीप्लेक्सर्स। तो 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मॉड्यूल लेवल। मॉड्यूल लेवल जो है वो करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। इस पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो था, इन डिजिटल आईसीज शॉटकी ट्रांजिस्टर्स आर प्रीफर्ड अवर नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स बिकॉज ऑफ देयर। कि जो हमारे पास डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं उनमें हम नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स के मुकाबले में शॉटकी ट्रांजिस्टर्स जो है वो यूज करना जो है वो प्रेफर करते हैं, किस वजह से हम ऐसा करते हैं। 4 ऑप्शंस गिवन है, हायर प्रोपोगेशन डिले, लोअर प्रोपोगेशन डिले, लोअर पावर डेसिपेशन, हायर पावर पावर डेसिपेशन। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोअर पावर, लोअर प्रोपोगेशन डिले। लोअर प्रोपोगेशन डिले होता है शॉटकी ट्रांजिस्टर्स में, इस वजह से हम इन्हें प्रेफर करते हैं डिजिटल आईसी में नॉर्मल ट्रांजिस्टर के मुकाबले में। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ये है कि द यूजेटी मे बी यूज एज, ऑप्शन गिवन आर रेक्टिफायर एंड एम्पलीफायर, अ सॉर्ट ऑफ जनरेटर, नन ऑफ द अबो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अ सॉर्ट ऑफ जनरेटर। जो सॉर्ट ऑफ जनरेटर होता है ये इसका जो है राइट आंसर है, कि यू जे टी को हम एज अ सॉर्ट ऑफ जनरेटर जो है वो यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये अब हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑफन अ कॉमन कलेक्टर विल बी द लास्ट स्टेज बिफोर द लोड, द मेन फंक्शंस ऑफ दिस स्टेज इज टू। के ये 4 ऑप्शंस गिवन है, प्रोवाइड वोल्टेज गेन, प्रोवाइड फेज इन्वर्जन, प्रोवाइड अ हाई फ्रीक्वेंसी पार्ट टू इंप्रूव द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, बफर द वोल्टेज एम्पलीफायर फ्रॉम द लो रेजिस्टेंस लोड एंड प्रोवाइड इंपीडेंस मैचिंग फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर है, बफर द वोल्टेज एम्पलीफायर फ्रॉम द लो रेजिस्टेंस लोड एंड प्रोवाइड इम्पीडेंस मैचिंग फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। चलें जी, अब हम आ गए हैं इस पेपर के क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच वन इज ट्रू, ऑप्शन ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट हैज हाई इम्पीडेंस, ऑप्शन बी पैरेलल रेजोनेंट सर्किट हैज लो इम्पीडेंस, ऑप्शन सी अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट बिहेव्स लाइक इंडक्टिव सर्किट सर्किट, या ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी एट विच एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो इंडक्टिव रिएक्टेंस के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सर्किट बिहेव्स लाइक इंडक्टिव सर्किट। तो ये ऑप्शन इन चारों में ट्रू है। चलें ये आगे क्वेश्चन नंबर 6,
जीएफईटी इज, जीएफईटी क्या है? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, या फिर करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है? तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कि जो जीएफईटी है ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। क्वेश्चन नंबर सेवन, इफ गेन इज 6 dB एंड इनपुट पावर इज 1 mW, फॉर एन एम्पलीफायर व्हाट इज आउटपुट पावर? के एक एम्पलीफायर के लिए अगर पावर उसकी 1 mW है और उसका गेन जो है वो 6 dB है, तो आउटपुट पावर जो है हमने वो बतानी है कि आउटपुट पावर जो है वो क्या होगी, 0 mW, 1 mW, 4 mW या नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4 mW। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दी है कि जो डीबी में गेन हमारे पास होता है वो होता है 10 × log ऑफ पी नॉट डिवाइड बाई पी वन। तो पी वन पावर हमें गिवन है 1 mW, यहाँ पे यूज कर लेंगे, गेन भी हमें डीबी में गिवन है 6 dB, पुट करेंगे यहाँ से थोड़ा सिंपल होगा तो हमारे पास जो पी नॉट है वो 3.9 mW आ जाएगा, जो अप्रोक्सीमेटली 4 mW के बराबर है। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी बनती है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर एट, विच मोटर इज यूज इन वैक्यूम क्लीनर? वैक्यूम क्लीनर में कौन सी मोटर को हम यूज करते हैं, सीरीज मोटर, शंट मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड या कम्युलेटिव कंपाउंड? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, सीरीज, इसे यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं। तो यूनिवर्सल या सीरीज मोटर को हम वैक्यूम क्लीनर में जो है वो यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, व्हाट इज द एवरेज वोल्टेज व्हेन अ रेक्टेंगुलर वेव बेस लाइन वोल्टेज इज 20 वोल्ट, इट्स पीक टू पीक वोल्टेज इज 50 वोल्ट एंड इट्स ड्यूटी साइकिल इज 20%? तो एवरेज वोल्टेज हमने बतानी है, तो ऑप्शन ये गिवन है 26 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 45 वोल्ट। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 30 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच सेंसर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? किस सेंसर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है? चार ऑप्शंस गिवन है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, स्ट्रेन गेज, आरसीटी, आरटीडी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, आरटीडी। आरटीडी ऐसे सेंसर होते हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम एंड कर देते हैं। इस पेपर को, ये जो एएम इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इसे भी मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, 3 डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके इस पेपर की नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।